नमस्कार, मैं हूं जैन। आप देख रहे विराट 24 न्यूज। एक नजर डालते हैं फटाफट खबरों पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हो रही हिंसा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के मुंह से सुनना चाहता है कि हिंसा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जम्मू शहर में मीटर नहीं, अब सीधे स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सर्वे के आधार पर मीटर लगाए जा रहे। सबसे पहले ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर बिजली चोरी हो रही। सऊदी अरब के शिक्षा मंत्रालय का फैसला, 15 साल बाद बदला नियम। रमजान के दौरान स्कूल खुले रहेंगे, इस फैसले के काफी लोग खफा हुए। रूसी सैनिक की घिनौनी करतूत, यूक्रेन की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, ये बात पता चलने पर रूस सैनिकों ने किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में बुजुर्गों के बीमार होने पर इलाज के लिए मास्टर प्लान बनाया जा रहा। एक फोन कॉल पर स्वास्थ्य कर्मी एम्बुलेंस से घर पहुंचेंगे और बुजुर्ग मरीजों को जिला अस्पताल या फिर CHC PHC पर ले जाकर समुचित इलाज कराए जाएंगे। बिहार में मुजफ्फरपुर शहर स्थित मस्जिद में फहराया गया भगवा झंडा और जय श्री राम नारे भी लगाए। MP में पुलिस कर्मी की छुट्टी पर रद्द। IG इंटेलिजेंस ने भोपाल, इंदौर कमिश्नर और सभी जिला SP को जारी किया आदेश। सोनिया गांधी से मिलने पहुंची पंजाब कांग्रेस की नई टीम, राज की नई रणनीति पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश सतना जिले के IS अजय कतेसिरिया पर गंभीर आरोप, 40 एकड़ जमीन उन्होंने निजी लोगों को नाम कर दी। कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजी और 15 दिनों की मोहलत दी। कोटा के रामगंज मंडी जिले में जब दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने वाली थी बारात, तभी हो गया कांड। बदमाशों ने हमला किया जिससे दूल्हे के पिता और कई बाराती भी घायल हुए। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक जमीर अहमद खान ने कहा कि वे भारतीय मुस्लिम हैं और पाकिस्तान से नहीं आए, और कहा कि BJP मुसलमानों को बदनाम करना बंद करे। पंजाब सरकार ने 4 नए SSP किए नियुक्त और कहा कि क्राइम को जड़ से मिटाएं। भाजपा सांसद अफजल अंसारी ने बड़ा दावा, कहा कि 2024 में BJP की हार का कारण बनेगा बुलडोजर। CM अरविंद केजरीवाल BJP पर हमला बोला और कहा कि BJP ने जनता के लिए काम किया होता तो इतना खौफ ना होता, आपके नेता BJP में कभी ना जाते। रेप आरोपी की जमानत के बाद लगे भैया इस बैक, सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई। MP में हाईकोर्ट से आरोपी का जमानत मिलने की खुशी में स्थानीय इलाके में भैया इस बैक के पोस्टर लगाए गए। हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब हुई महंगी, प्रति बोतल 150 का इजाफा, जो पहले 500 में आ रही थी अब 650 के करीब मिल रही। फतेहपुर जिले के बिंद की कोतावली क्षेत्र में रामलीला मैदान के पास गोदाम में बेटे को बेहोश कर नमक कारोबारी की हत्या, दीवार में सर टकराकर मारा। इस घटना को 4 बदमाशों ने दिया अंजाम। भोपाल में इंजीनियर ने दी जान, कोरोना में माता पिता को खो चुके। एक्सीडेंट में अपने भाई को 2 साल के अंदर उन्होंने अपने माँ बाप भाई को खोया। पाकिस्तान में 23वें PM बने शहबाज शरीफ, PM पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश शिवपुरी में भयानक हादसा, 2 मासूम बहनें जिंदा जल गई। झोपड़ी में आग लगने से हादसा हुई जिसके कारण से वो बाहर निकल ना सकी और ना कोई उनको बचाने के लिए अंदर जा सका। फटाफट खबरों को लिए देखते रहे विराट 24 न्यूज। नमस्कार।